कक्षा में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं और ये कहानी सुनने में बहुत ही रोचक और अच्छी होगी, क्योंकि इस कहानी के जरिए आप कई जानवरों से मिलेंगे और ये कहानी हमें एक अच्छी सीख भी देकर जाएगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले क्यों ना हम लोग एक खेल खेल लें? जी हाँ, आज हम आपके लिए एक खेल लेकर आए हैं। उस खेल का नाम है बूझो हम कौन हैं। तो बच्चों, इसमें हम आपसे दो पहेली पूछेंगे। इन पहेली को बड़े ध्यान से आप सुनिए और सुनने के बाद उसका सही उत्तर दीजिए। पहली पहेली है, सुबह सवेरे घर की छत पर करता काव काव, काले रंग में रंगा है पक्षी मिलता गांव गांव। एक बार फिर से बता दूं आपको, सुबह सवेरे घर की छत पर करता काव काव, काले रंग में रंगा है पक्षी मिलता गांव गांव। बोलो क्या? बिल्कुल सही, कौवा। बहुत सही जवाब, बहुत अच्छे। बच्चों, कौवे का रंग काला होता है और उसकी बोली कैसी होती? काव काव। आपने बहुत सही पहचाना। अब हमारी दूसरी पहेली, कुकड़ो कूजो बोला करता सबको सुबह जगाता, सर पर लाल कलंगी वाला गांव घड़ी कहलाता। एक बार फिर से बता दूं, पहले सुन तो लीजिए आप लोग। कुकड़ो कूजो बोला करता सबको सुबह जगाता, सर पर लाल कलंगी वाला गांव घड़ी कहलाता। बोलो क्या? बिल्कुल सही जवाब, मुर्गा। बहुत सही, मुर्गा। क्योंकि मुर्गा बोलता कैसे? कुकड़ो को। और इसके सर पर लाल कलंगी भी होता है और इसे गांव घड़ी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह जगाता है। और सही भी है, क्योंकि जब तक मुर्गा बांग नहीं देता है तब तक सुबह का पता ही नहीं चलता है, ऐसा ज्यादातर लोग कहते हैं। क्या आप भी यही सोचते हैं? अगर नहीं तो आप सोचिए, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हमारे, आपके और सभी के फोन में मुर्गे की आवाज कुकड़ों को वाली रिंगटोन ना होती। जब हम लोग सुबह उठते हैं तो अपने फोन में एक अलार्म बजाते हैं, उस अलार्म में ये टोन होती है। लेकिन आज हम मुर्गे की बात कर क्यों रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात होगी जो आज हम मुर्गे की बात कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके पात्र हैं एक मुर्गा और एक जंगली लोमड़ी। ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा? एक मुर्गा और एक जंगली लोमड़ी। हमने मुर्गा क्यों कहा और लोमड़ी को हमने जंगली क्यों कहा? क्योंकि मुर्गा हमारे साथ हमारे परिवार में रहता है, गांव में रहता है। हम मुर्गे का पालन करते हैं तो वो हमारा पालतू जानवर हुआ। लेकिन लोमड़ी का निवास स्थान कहाँ है? वो कहाँ रहता है? जंगल में। इसीलिए उसको हमने क्या कहा? जंगली। और यहाँ पे हमने लोमड़ी को जंगली लोमड़ी कह के पुकारा। आपको पता है ये कहानी किसने लिखी है? यह कहानी हमारे हिंदी साहित्य के महान लेखक व कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित है। उन्होंने ये बाल कहानी लिखी है आपके लिए। तो बच्चों, अब हम आपको आपकी पसंदीदा कहानी सुनाएंगे। तो बहुत ध्यान से इन कहानियों को सुनिएगा आप, और फिर इसका आप ध्यान से कहानी सुनिएगा और आप इसे देखिएगा कि आगे क्या करना है, आखिर आगे हुआ क्या था। कहानी हम शुरू करते हैं, आप ध्यान से देखिए और सुनिए। लोमड़ी ने मुर्गे को पेड़ की डाल पर बैठे देखा। लोमड़ी ने मुर्गे को पेड़ की डाल पर बैठे देखा। उसने पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो जमीन पर
चलते फिरते रहना चाहिए, नीचे उतारो। मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ, मुर्गा बोला। लोमड़ी बोली, अरे क्या आज का सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, आप कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गे ने कहा, यह तो वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है। कहते कहते उसने अपनी गर्दन उठाई और देखने लगा, जैसे दूर की कोई चीज वो देख रहा हो। क्या देख रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। मुर्गा बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, पता नहीं क्यों कुछ शिकारी कुत्ते इधर तेजी से दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसी बात है? अच्छा क्षमा करना मित्र, मैं चली। लोमड़ी घबरा कर बोली। अरे तुम्हें क्या डर है? तुम घबरा क्यों रही हो? तुम्हें क्या डर है? पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना? मुर्गा बोला। लोमड़ी बोली, सच है, परंतु लगता है शिकारी कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना। ऐसा कहते कहते लोमड़ी भाग जाती है। तो बच्चों आपने देखा ना किस तरह से लोमड़ी भाग गई? आखिर लोमड़ी भागी क्यों? आपको पता है क्यों भागी? मैं बताती हूँ, क्योंकि लोमड़ी इसलिए भागी क्योंकि उसने एक झूठा समाचार सुनाया था, लेकिन मुर्गे ने उसके समाचार पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। उसने भी वही व्यवहार किया जो लोमड़ी ने किया था। लोमड़ी ने भी उसे झूठा समाचार सुनाया और मुर्गे ने भी उसको झूठा समाचार सुनाया, लेकिन लोमड़ी ने बिना सोचे समझे मुर्गे की बात पर विश्वास कर लिया और वहां से भाग गई। बच्चों जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था, इस कहानी में आप कई जानवरों से भी मिलेंगे, जिसमें आप मुर्गा, जंगली लोमड़ी और शिकारी कुत्ते, इनसे आपकी पहचान हुई है। और ये कहानी हमें एक सीख भी देके जाती है, जो हमने आप पूर्व आपको बताया भी था। वो सीख क्या है कि हमें किसी की भी बातों पर जल्द ही विश्वास नहीं करना चाहिए, सहसा उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक कि आप पूर्णता उससे सहमति ना हो या आप उसको पूरी तरह जांच परख ना लें। तो बच्चों ये है हमारी कहानी का सार, मुर्गा और लोमड़ी। जब हम बच्चों पाठ का पाठन कर रहे थे और आपको कहानी सुना रहे थे, उसी बीच कुछ कठिन शब्द भी हमारे सम्मुख आए थे। अब हम आपको उन्हीं कठिन शब्दों से परिचय कराएंगे, उसका अर्थ बताएंगे और उसके वाक् प्रयोग भी आपको बताएंगे। जिस तरह हमने आपसे कहा था बच्चों कि जब हम पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ कठिन शब्द आए थे, उन कठिन शब्दों के अर्थ और उसके वाक् प्रयोग आपके सामने हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हमने पाठ के अंतर्गत कठिन शब्द लिए हैं, जमीन, खूंखार, समाचार, समझौता, हमला, दुनिया। ये हमारे कठिन शब्द हैं जो पाठ के अंतर्गत आए हैं। अब हम आपको इनके अर्थ बताएंगे और उसके बाद जो कठिन शब्द हैं उसके हम आपको वाक् प्रयोग करके दिखाएंगे। और हो सके तो बच्चों आप इसे अपनी कॉपी पे जरूर उतारने का प्रयास करें। पहला शब्द हमारा था जमीन। जमीन का अर्थ है भूमि। दूसरा शब्द खूंखार। खूंखार का अर्थ है निर्दय। तीसरा शब्द समाचार। समाचार का अर्थ है खबर, संवाद। समझौता, उसके बाद हमने शब्द लिया था समझौता। समझौता का अर्थ है आपस का निपटारा। हमला, हमला का अर्थ है आक्रमण, धावा। दुनिया, दुनिया का अर्थ है संसार। ये हमारे जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हैं। और अब हम आपको बताएंगे वाक् प्रयोग।
बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाक्य प्रयोग हमेशा शब्दों के बनते हैं, अर्थ से नहीं। हाँ, लेकिन वो अर्थों की पूर्ति जरूर करते हैं। जैसे हमारा पहला कठिन शब्द था जमीन, जमीन का हमने वाक्य प्रयोग बनाया यह फसल के लिए उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन है, हमने यहाँ पे जमीन शब्द का प्रयोग किया है। जंगली जानवर बहुत खूंखार होते हैं। खूंखार हमारा दूसरा कठिन शब्द। मुर्गे ने लोमड़ी से जंगल का समाचार सुना। ये तो सही है क्योंकि मुर्गे ने लोमड़ी के द्वारा ही जंगल का समाचार सुना था। पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। पशु पक्षियों में समझौता हो गया, यहाँ पे समझौता। जंगली जानवर अब किसी पर हमला नहीं करेंगे। हमला हमारा कठिन शब्द जो हमने आपको बताया था, हमला का अर्थ होता है आक्रमण। जंगली जानवर अब किसी पर हमला नहीं करेंगे। दुनिया, दुनिया के सभी जानवर मिलजुल कर रहेंगे। दुनिया के सभी जानवर मिलजुल कर रहेंगे। आप बच्चों संदेह में मत रहिएगा कि जो हमने शब्द कहा है तो शब्द के ही, ये हमारे जो शब्द हैं ये अर्थ को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे है दुनिया के सभी जानवर मिलजुल कर रहेंगे। दुनिया का अर्थ हमारा क्या है? संसार। तो हम ये भी इनको समझ सकते हैं कि संसार के सभी जानवर मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन जो नियम है, नियम हमारा यही है कि हमें शब्दों से ही वाक्य प्रयोग बनाने हैं, ना कि अर्थ से। तो बच्चों आपने अभी कठिन शब्द आपने देखा, उस कठिन शब्द देखा, उसको पढ़ा, समझा। हो सके तो इसे अपनी पुस्तिका में जरूर उतारने का प्रयास करें। अब इसके बाद हम आपको परिचय कराएंगे विलोम शब्द। अब इसके बाद हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। अभी हम लोगों ने कहानी पढ़ी है और उसके बाद आपसे कुछ वार्तालाप भी किया है, बातें भी की हैं। तो उन कहानी में हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं, लेकिन ये प्रश्न है हमारे कुछ अलग ही। इसमें एक प्रश्न के चार विकल्प होंगे, ठीक है? एक प्रश्न के कितने विकल्प होंगे? चार। लेकिन आपको उन्हीं चार विकल्पों में से एक सही उत्तर ढूंढना है और हमें बताना है। जैसा कि निर्देश है, लिखा हुआ है कि प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप हमें सही उत्तर बताइएगा और हम आपके सामने ही यहाँ पे उसमें सही का निशान लगाएंगे। लेकिन ये प्रश्न सबके लिए है, ये नहीं कि आगे के बच्चे झटाझट बोल देंगे और पीछे के बच्चे चुपचाप बैठे रहेंगे। ये सभी बच्चों के लिए है, ठीक है? चलिए अब हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को। पहला प्रश्न है, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? चार विकल्प है, का मैना, खा कोयल, गा मुर्गा या घा मुर्गी। कौन बैठा था? कौन? बिल्कुल सही, शाबाश, गा मुर्गा, बहुत सही। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। जंगल का सबसे बड़ा समाचार किसने मुर्गे को सुनाया? जंगल का सबसे बड़ा समाचार किसने मुर्गे को सुनाया? यहाँ भी चार विकल्प हैं आपके सामने, का कबूतर ने, खा जंगली कुत्ते ने, गा भेड़िये ने, घा लोमड़ी ने। किसने सुनाया? बताइए बताइए। फिर आप बोलने लगे बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, शाबाश, लोमड़ी ने। क्योंकि जंगल का समाचार किसने सुनाया था मुर्गे को? लोमड़ी ने। अब आगे के बच्चे चुप रहेंगे और वो जो पीछे बैठे हैं चुपचाप, अब हम ये सवाल पीछे के बच्चों से पूछेंगे।
तो ये सवाल आपके लिए और आपको जवाब देना भी है। कौन तेजी से दौड़ते चले आ रहे थे? एक बार फिर से, कौन तेजी से दौड़ते चले आ रहे थे? का शेर, खा जंगली कुत्ते, गा भेड़िया या घा लोमड़ी। कौन तेजी से दौड़ते चले आ रहे थे बताइए, बताओ बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जंगली कुत्ते, खा जंगली कुत्ते। कौन तेजी से दौड़ते चले आ रहे थे? जंगली कुत्ते। ये समाचार किसने सुनाया था लोमड़ी को? मुर्गे ने, मुर्गे ने सुनाया था ना ये समाचार कि तेजी से शिकारी कुत्ते, जंगली कुत्ते यहाँ दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों के डर से कौन भाग गया? ये सवाल हमारा सभी के लिए है, सभी पूरे क्लास के बच्चों के लिए है और जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी। शिकारी कुत्तों के डर से कौन भाग गया? का मुर्गा, खा कबूतर, गा मुर्गी या घा लोमड़ी। कौन भाग गया? बिल्कुल सही, घा लोमड़ी। जैसे उसने सुना कि कुछ शिकारी कुत्ते उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं और वो भाग गया। बहुत सही, इससे हमें ये पता चला बच्चों कि आपने कहानी को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखा, सुना और समझा। यही हमारा बोध प्रश्न कहलाता है कि आपने, अगर हमने कोई पाठ पढ़ाया है तो आपने किस हद तक, कहाँ तक सीखा है और यहाँ पे आप सफल हुए। शाबाश मेरे बच्चों। अब हम आपका परिचय कराते हैं विलोम शब्द से। जी हाँ, विलोम शब्द। आखिर विलोम शब्द है क्या? विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो शब्द दिए गए होते हैं उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आपके सामने कुछ शब्द हैं और उसी के सामने विलोम शब्द हैं। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, आप समझ जाएंगे। शब्द है जमीन, जमीन का विलोम क्या है? आसमान। विपरीत है जमीन आसमान। खूंखार अहिंसक, खूंखार माने हिंसा, हिंसक, उसका विलोम क्या होगा हमारा? अहिंसक। हमला, हमला का मतलब क्या बताया था, अर्थ हमने क्या बताया था आपको? आक्रमण, उसका विलोम क्या होगा हमारा? हमारा बचाव। अच्छा, अच्छे का बुरा। क्षमा, क्षमा माने होता है माफी, उसका विलोम शब्द है दंड, दंड माने होता है सजा। दूर पास, समझौता लड़ाई। जिस तरह अभी आपको इससे पहले हमने कठिन शब्द में बताया था समझौता का अर्थ क्या है, आपस का निपटारा, उसका विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या है, उसका विलोम शब्द हमने क्या देखा? लड़ाई। तो बच्चों यही है विलोम शब्द। तो एक बार पुनः आप लोग इसे ध्यान दीजिए कि विलोम शब्द का अर्थ है विपरीत अर्थ वाले शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं। बच्चों इसे आप अपनी पुस्तिका में जरूर उतारिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आपके लिए है और इसे, इससे आपके शब्दों में वृद्धि भी होगी। एक बार पुनः आपको बता देती हूँ, जमीन विलोम शब्द आसमान, खूंखार विलोम शब्द अहिंसक, हमला विलोम शब्द बचाव, अच्छा विलोम शब्द बुरा, क्षमा विलोम शब्द दंड, दूर विलोम शब्द उसका क्या होगा? पास, समझौता विलोम शब्द हमारी लड़ाई। आप लोगों ने उतार लिया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ नया सीखने के लिए। उस नए में क्या है हमारे? विराम चिन्ह। आखिर विराम चिन्ह है क्या? सबसे पहले हम जानते हैं विराम क्या है। विराम का अर्थ होता है रुकना। जब हम अपना, जब हम कोई बात मौखिक रूप से आपसे कहते हैं तो हम अपनी बात को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे हम रुक जाते हैं और जहाँ पे हम रुकते हैं उसी को कहते हैं विराम। लेकिन
हमारे वाक्य को अगर हम पुस्तिका में या कॉपी में लिखते हैं तो वहाँ पे उस विराम को दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह प्रदर्शित किए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को कहते हैं विराम चिन्ह। जैसे कह सकते हैं कि जो हम वाक्य पुस्तिका पे लिखते हैं तो उस वाक्य को विराम की स्पष्टता को उस वाक्य के विराम की स्पष्टता को समझाने के लिए दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि हमने कुछ वाक्य यहाँ पे लिखे हैं और उसके साथ ही विराम चिन्ह भी आपको दर्शा है। इन चिन्हों के नाम भी हैं जो आपको समझना है और हो सके तो इसे भी आप पुस्तिका में उतारने का प्रयास करें। पहला वाक्य है, पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। है के बाद देखिए एक लाल रंग की खड़ी पाई है। इस खड़ी पाई को कहते हैं पूर्व विराम चिन्ह। इसका अर्थ यह है कि हमने अपने वाक्य को पूरा लिख लिया है या पूरा बोल दिया है, उसके बाद हमारा पूर्व विराम चिन्ह लगता है। दूसरा है हमारा वाक्य, राधा कमल और राजू विद्यालय आ गए। राधा और कमल के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है, इसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। जब हम लोग अपनी पुस्तिका पे लिखते हैं और बहुत सारे फलों के, पौधों के, फूलों के या कई भी जानवरों के नाम अगर हम लिखते हैं या प्राणियों के नाम लिखते हैं तो हर किसी के साथ और नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं अल्प विराम चिन्ह का। जैसे कह सकते हैं राधा कमल और राजू, तो राधा और कमल के बीच में हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। अब देखिए हमारा दूसरा वाक्य है, क्या देख रहे हो, लोमड़ी ने पूछा। इसमें आप देख रहे होंगे क्या के आगे दो चिन्ह लगे हुए हैं और हा के बाद भी चिन्ह है। इन चिन्हों को कहते हैं उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह का अर्थ होता है कि हम कोई वार्तालाप करते हैं या हमारे वाक्य जैसा हम बोल रहे हैं उसको वैसे ही अपनी पुस्तिका में उतारते हैं या लिखते हैं तो इन्हीं चिन्हों के द्वारा ही उसे प्रदर्शित किया जाता है। और एक और चिन्ह है इसमें, ये वाला जो क्या देख रहे हो, इस चिन्ह को कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ शब्द का प्रयोग होता है वह वाक्य कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य, और वहीं पे लगता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमारा चौथा है वाक्य, उस पर भी ध्यान दीजिए, अरे तुम घबरा क्यों रही हो। अरे शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि इंसान चौंक रहा है या कुछ संदेह होकर पूछ रहा है। यहाँ पे हमारा चिन्ह जो अरे के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है खड़ी पाई जैसे उसके बाद छोटी सी बिंदी है, इसे कहते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह। जैसे हाय, ओह, क्या, इस तरीके से अगर शब्द आते हैं विस्मय होकर, संदेह होकर, तो वहां पे हमारे विस्मय बोधक आदि चिन्ह लगते हैं। पुनः यहाँ पे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह को भी प्रदर्शित किया है। क्या कारण है यहाँ पे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रदर्शित किया है? जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि कोई भी वाक्य अगर उसमें क्यों, क्या, कहाँ, कब, कैसे इन शब्दों का प्रयोग होगा उस वाक्य में तो वह वाक्य होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और वहीं पे हमारा लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पुनः आपसे बता देते हैं कि वह वाक्य जो हम मौखिक रूप में बोलते हैं और उसके बाद अगर उसी वाक्य को हम अपनी पुस्तिका या कॉपी में लिखते हैं तो उन विराम चिन्हों को दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह प्रदर्शित किए जाते हैं जो इस तरीके से हैं, पूर्व विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक आदि चिन्ह। विराम की स्पष्टता जहाँ पे हम रुकते हैं उसको दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते
हैं। अब बच्चों इसके बाद इस कहानी से हमने क्या सीखा? बहुत कुछ। आपने भी सीखा और हमने भी सीखा कि विपत्ति के समय सूझबूझ के प्रयोग से अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए, जिस तरह मुर्गे ने किया। हर किसी की बात पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। और एक और कि अखबार में आप अपने क्षेत्र के खबरों को पढ़ें, जिससे हमें आसपास की जानकारी मिलती रहे और हमारा समान ज्ञान भी बढ़ता रहे। हर परिस्थिति में हमें शांत और प्रसन्न रहना चाहिए, कभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, लेकिन उसमें भी हमें प्रसन्नचित और शांत भाव ही रखना चाहिए। इस कहानी में हमने कुछ जंगली जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हो सके तो आगे और भी जंगली जानवरों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे हमारे समान ज्ञान में वृद्धि हो। बच्चों अब इसके बाद आता है हमारा अभ्यास कार्य। यह अभ्यास कार्य अपनी पुस्तिका में आप जरूर उतारिए, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हमारा अभ्यास कार्य है किसने किससे कहा। दो व्यक्तियों के वार्तालाप बातचीत में ही ये शब्द आते हैं, किसने किससे कहा। हमारी कहानी में दो पात्र हैं, लोमड़ी और मुर्गा। अब हमें ये बताना है कि ये वाक्य किसने किससे कहा। पहला वाक्य है, सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। किसने कहा? लोमड़ी ने। किससे कहा? मुर्गे से। ये समाचार सुनाया था उसने। दूसरा वाक्य है, मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। किसने कहा? मुर्गे ने लोमड़ी से। बिल्कुल सही जवाब। कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। किसने कहा बताइए? मुर्गे ने। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, मुर्गे ने कहा किससे? लोमड़ी से। बहुत सही। अच्छा क्षमा करना मित्र, मैं चली। फिर से बता दूं, अच्छा क्षमा करना मित्र, मैं चली। ये किसने कहा? लोमड़ी ने। किससे? मुर्गे से। कब कहा था? जब मुर्गे से उसने समाचार सुना कि कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। हमारा अंतिम वाक्य है, लगता है शिकारी कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना। लगता है शिकारी कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना। किसने कहा? लोमड़ी ने। किससे कहा? मुर्गे से। बहुत खूब। बच्चों इसे भी आप अपनी पुस्तिका में लिख लीजिएगा, अभ्यास पुस्तिका में आप लिख लीजिएगा, आपके लिए सहायक होगी। दूसरा अभ्यास कार्य है आपके पाठ के पेज नंबर 13 में है अभ्यास कार्य, उसी के प्रश्न उत्तर हैं। आप प्रश्न देखिए अपने किताब में, प्रश्न संख्या 1 का उसके उत्तर मैं बोली हूँ, आप जो है वो उत्तर लिख लीजिएगा। पेड़ की डाल पर बैठे मुर्गे से लोमड़ी ने क्या कहा? उत्तर है, पेड़ की डाल पर बैठे मुर्गे से लोमड़ी ने कहा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो जमीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, नीचे उतर आओ। यही मुर्गे से लोमड़ी ने कहा था। दूसरा प्रश्न है खा, लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गे ने। यहाँ पे इस प्रश्न को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, दो पार्ट इसके बना दिए गए हैं। क्या कहा, क्या किया? तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या कहा इसके बारे में बताएंगे। जब लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गे ने क्या कहा? मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, क्या कहा उसने? मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। क्या किया मुर्गे ने? क्या किया मुर्गे ने? किया कि मुर्गे ने अपनी गर्दन उठाकर देखा।
जैसे दूर की कोई चीज देख रहा है। क्या किया उसने? मुर्गे ने अपनी गर्दन उठाकर देखा जैसे दूर की कोई चीज देख रहा है। ये आपके प्रश्न उत्तर हैं, इसे अपनी पुस्तिका में लिख लीजिएगा। और आज का गृह कार्य, जिसमें हमने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है कि एक बाल अखबार का निर्माण करें जिसमें आप अपने क्षेत्र, स्कूल और आसपास की खबरें लिखें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ही प्रोजेक्ट है, इसे आप जरूर कीजिएगा। दूसरा गृह कार्य है ICT के माध्यम से एवं अपने परिवार के सहयोग से विभिन्न अन्य प्रेरणादायक कहानियों का संकलन करें। बच्चों, जिनके पास स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फोन है तो उनके मोबाइल में दीक्षा ऐप और रीड अलॉन्ग ऐप डाउनलोड होगा, तो वो उन्हीं ऐप के माध्यम से प्रेरणादायक कहानियों को पढ़ें, उनका संकलन करें। लेकिन जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है या फोन की सुविधा भी नहीं है, तो वो अपने परिवार के बड़े लोगों का सहयोग लें, उनसे विभिन्न प्रेरणादायक कहानियों का संकलन करें, याद करें, हो सके तो उसे लिखें भी। हमारा एक और प्रश्न आपके लिए है कि हमें समाचार किन किन माध्यमों से प्राप्त होते हैं, इसका पता करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें समाचार कई माध्यमों से प्राप्त होते हैं, और वो माध्यम क्या होते हैं ये आपको पता करना है। इन्हें पता करके आप विद्यालय में आकर, जब भी आप विद्यालय में आइएगा, हमें जरूर बताइएगा। आपके अभ्यास कार्य में प्रश्न संख्या 3 और 4 ये आपको स्वयं करना है, और इसे आप जरूर कीजिएगा और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तो बच्चों, आज का हमारा जो हिंदी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम आपसे दोबारा फिर मिलेंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है